तो दोस्तों, मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी जो हमारे साथ घटी और मेरे दोस्त के साथ घटी, कहाँ पर? जयपुर में। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी, कहानी। कुछ फोटोज़ भी बीच बीच में आएंगे, तो उन पे भी आप कॉन्सेंट्रेट रखना, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आप उसको महसूस करोगे। हमारे साथ ऐसा सीन हुआ था। कहानी स्टार्ट होती है जहाँ मेरा दोस्त था फौजी। उसका नाम वैसे फौजी नहीं है, उसका नाम अमन सांकला है, बट हम उसको प्यार से फौजी कहते थे। तो मैंने और उसने डिसाइड किया कि हमें ना कहाँ पे हम जाएंगे जयपुर में। हमारा हॉस्टल काफ़ी आउटसाइड है जयपुर से, लेकिन आप अगर जयपुर घूमने जाओ तो आप नाहरगढ़ फोर्ट को जानते हो, नाहरगढ़ फोर्ट। तो नाहरगढ़ फोर्ट के आसपास के, नाहरगढ़ फोर्ट पे तो अपन पैसे देके टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके आसपास बहुत सारे ऐसे मियाबान पहाड़, खूब सारे पहाड़ ऐसे हैं जिन पर जाना मना है, और वो जयपुर की लास्ट सीमा वाले पहाड़ है, ठीक है। तो हम, मेरे दोस्त को क्या ट्रैकिंग का काफ़ी शौक था, जो ये करते हैं ना पहाड़ पर चढ़ाई करने वाला ट्रैकिंग, इसका काफ़ी शौक था। तो वो उसने मेरे को हॉस्टल में अपने रूम में बुलाया कि तू आ पहले। तो मैं उसके रूम में गया, तो हमने वहाँ प्लानिंग करी। वो क्या बोलता, देख दोस्त मेरे पास है ना, मैंने मंगा लिया है, क्या बोलते हैं, वो एक तंबू टाइप मंगा लिया उसने, वो जिसको अपन क्या है बस खोल दो और हल्का सा ऐसे ऐसे करकुरा के पूरा तंबू बन जाता है, मतलब उसमें रह भी सकते हैं अपन, बोले रात भर ना कोई कीड़ा आएगा ना मच्छर आएंगे, एकदम खतरनाक तंबू है। अब आपको फोटो में दिखाऊंगा मैं कैसा तंबू है। तो वो तंबू हमने मंगा लिया, बाद हमने उसकी प्लानिंग करी कि क्या क्या लेके जाएंगे। तो मैंने माजा की बोतल रख दी, चिप्स रख लिया और बिस्कुट रख लिए, थोड़ी बहुत जो अपन ट्रिप पे जाते हैं वैसे खाने की चीज़ें रख ली। अब हम निकल पड़े वहाँ से, कितने बजे निकले थे अभी याद है, शाम को निकले थे हम 4 बजे की समथिंग। अब 4 बजे से हम 5-6 बजे तक वहाँ तक पहुँचे, नाहरगढ़ फोर्ट के पास तक पहुँचे। फिर हमने क्या है स्टार्ट करी अपनी जर्नी, ठीक है। अब वो जो पहाड़ था वो क्या एक बाउंड्री के बाहर था, कहने का तो बाउंड्री जयपुर की कहते हैं लास्ट सीमा टाइप है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसा कहते तो है, हमको पता नहीं था, लेकिन हम अनजाने में गए थे। मेरा दोस्त बोलता चलते चलते चलते, तो हम चढ़ गया। मैं जैसे वो डोली कूद के हम उस पहाड़ पर चढ़ने गए ना, तो वो डोली जैसे हमने कूदी ना, तो मेरे मन में ऐसा आया कि यार सौरभ नहीं जाना चाहिए यार, ये पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं डर लग, मैं देखो फट्टू इंसान हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, ये सही बात है कि मेरे में काफ़ी डर है, लेकिन मेरे दोस्त में बिल्कुल डर नहीं है, वो फौजी की तरह बहादुर है बिल्कुल, यूँ मान लो। तो मैंने तो डरते समय मैंने उससे बोला फौजी अपन चलते हैं, वैसे उसको मैं प्यार से फौजी कहता हूँ, नाम है मैंने, मैंने उससे बोला फौजी अपन तो चलते हैं यार, रहने दे, यहाँ कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया तो लफड़ा देने के देने पड़ जाएंगे। मैं उससे निजात, मैं से तो ऐसे पहाड़ पर कौन सी सीढ़ियाँ होती है, वो तो चढ़ना पड़ता है। मैंने बोला मेरे से चढ़ा जाएगा, फिसल फिसला गया, गिर गुरा गया तो मेरी मम्मी मेरे को खा जाएगी, भैया ऐसा काम ही नहीं करना। मैंने उसको टोका था, लेकिन उसने, वही बोलते ना दोस्त ने, चल 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 कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे करके मेरे को वो ले गया ऊपर, पहाड़ चढ़ा लिया। पहाड़ हम चढ़ रहे हैं, ठीक है, चढ़ रहे हैं हम पहाड़, बहुत खुशी थी मन में कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चढ़ के हम इतना लेवल पे पहुँचे कि वहाँ से जयपुर अच्छा खासा दिखने लग गया, बहुत सुंदर नज़ारा था, मतलब आसपास देखने में इतना ज़बरदस्त जयपुर, सुंदरता इतनी दिखती थी जयपुर की कि अरे यार इतना तगड़ा, जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई से देखते तो वो तो बहुत ऊँची है, लेकिन ऐसा ही दिखता था, पूरा जयपुर का इलाका दिख रहा था। मैंने बोला यार बहुत मज़ा आएगा, अब तो चलना चाहिए अपन को। तो जैसे हमने वहाँ चढ़ के, हमने क्या किया, अब उसके पास ही, मतलब जो हम चढ़े ना, तो हम एक और पहाड़ था उसके ऊपर, मैंने उससे मना कर दिया, भाई मैं इतना ऊपर तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यहीं काफ़ी हूँ, यहाँ से बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। हम नज़ारा ही देखने गए थे सही बताऊँ तो, और एक कैंपिंग करने गए थे कुछ समय के लिए, ठीक है। अब मैंने उसे बोला कि बस मैं यहाँ तक ही चढ़ूंगा, तेरे को चढ़ना है चढ़ने, तो मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। तो उसने बोला चल यहीं बांध लेते हैं। तो उसके पास एक माता जी का मंदिर था, उसके पास में हमने तंबू हमने मंगाया था ना, वो तंबू हमने वैसे कैसे बांध लिया, और वो तंबू बिल्कुल मस्त होकर बंध गया, एकदम वैसे कैसे जैसे ओरिजिनल तंबू। अब मैं खुश हो रखा, यार मस्त तंबू बंध गया, अब चलो घुसते हैं इसके अंदर। अब वो घुस गया, और जो हमने उसका क्या माता जी का मंदिर के पास में नीचे ढलान टाइप झाड़ियाँ थी उधर बांधा। तो मैंने बोला ठीक है, आप उसमें हमने फ़ोटो वोटो खींचे जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये फ़ोटो कुछ देखो, ये खींचे थे हमने फ़ोटो। तो ऐसे कुछ फ़ोटोज़ खींचे और मज़े कर रहे हैं, हम दांत दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। पहले हमको क्या पता था भैया कुछ लफड़ा हो जाएगा, कांड होने का, कहते हैं ना जब कांड होने वाला होता है ना, तो हमको पता नहीं होता कि कब क्या कांड होने वाला है। हम करते हैं तो हमको लगता नहीं कि अजीब कि ये कुछ लफड़ा भी हो सकता है हमारे साथ, ऐसा हमको फील नहीं होता कभी भी, ये चीज़ याद रखना आप हमेशा। अब हमने सब अंदर चिप्स की बोतल, चिप्स रख लिए, इधर से माजा की बोतल रख ली, और जो खाने की चीज़ें रख ली थी वो रख ली, आईडी रख ली, यूनिवर्सिटी की आईडी, आधार कार्ड ये भी लेके गए थे। देखो हम एजुकेटेड हैं, इतना तो पता है कि इन चीज़ों को लेके जाना चाहिए, लेकिन वही बोलते ना वो दोस्त की बातों में आके मैंने सोचा चलते चलते ऐसे मजे मजे में, मजे मारने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए हमको। अब वहाँ हमने जैसे अब नाइट धीरे धीरे सनसेट हुआ, तो पूरा जयपुर दिख रहा वहाँ से, और पूरे आवाज़ें आ रही जयपुर की, तरह तरह की आवाज़ें आ रही, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, जयपुर को सुंदर लग रहा था। सनसेट का फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सनसेट का फ़ोटो कितना प्यारा है। तो खूब मज़ा आया, कहने का मतलब इतना मज़ा आया नज़ारे देखने में ऐसे थे। अब जैसे जैसे रात हुई ना,
वैसे वैसे हमने सोचा कि यार हमने मंदिर के पास में नीचे झाड़ियों में लगा रखा है तंबू, अगर कोई सांप वाप आ गया, वैसे तो घुस नहीं सकता था तंबू में, फिर भी कहेगा उसके लेना। तो हमने उस तंबू को उठा के माता जी का जो डोल थी ना, जिसपे अपन कहते हैं कि यहाँ रख लेते हैं, माता जी अंदर बैठी अपन डोल पे रख लेते हैं उसको, अच्छा भूत भूत का भी डर नहीं लगेगा रात में, माता जी पास में बैठी है तो इतना भी आ गया था कि डर नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे तो मन में था ये, मैंने बोला साइड में बांध लेते हैं अपन। अब हमने गलती ये कर दी कि हमने जैसे ही वो तंबू थोड़ा मतलब ऊपर डोल पे करा ना, तो डोल पे भी ठीक था, अब हम माता जी के साइड में थे, सुरक्षित हो गए भाई, रात में भूत भूत का भी डर नहीं और कुछ भी नहीं, है ना। अब नाइट हो ही गई थी, 8 साढ़े 8 बज रही थी। अब हमने सोचा कि यार यहाँ से भी थोड़ा नज़ारा कम दिख रहा, थोड़ा और आगे डोली के सरकाया जाए इसको, ताकि आगे से, अब हमको ये नहीं पता कि भाई डोली के आगे सरकाने के चक्कर में हमने आगे सरका लिया। आगे सरका के हमने वहाँ से फ़ोटो वोटो खींचे, कुछ फ़ोटो ये दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये फ़ोटो ये हमने वहीं खींचे थे, तो ये फ़ोटो आप देखो, तो ये जो फोटो आपने देखे ना, ये फोटो में हमने मस्ती फोटो खींचा। अब इसका जो फ्लैश होता है ना, उससे वो तंबू क्या है चमक गया। एक तो हमने पहले डोल पे रख लिया था, माता जी की जो डोल थी उस पे रख लिया था वो, मतलब जो बाउंड्री होती है उस पे, अब वो और वो फ्लैश लाइट से वो तंबू का अच्छा खासा चमक गया। अब चमकने के बाद जैसे तंबू चमका ना, तो नीचे की जो कॉलोनी थी आसपास की, जो नारगढ़ के पास के आसपास जो बस्ती और जो मोहल्ला बसा हुआ है, उनमें किसी ने क्या है देख लिया उस तंबू को चमकते हुए। अब उन्होंने देखा ना, तो उनके मन में डाउट आया कि यार ये तंबू अंबू है, तो उनके मन में कुछ ऐसा आया। उस टाइम थोड़ा जम्मू कश्मीर वाला मैटर भी ऐसा चल रहा था थोड़ा बहुत, तो लोगों को लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं चोर उचक के आ गया हूँ कहीं से और यहाँ प्लानिंग बना रहे हो कुछ फालतू चीज़ करने की, ऐसे 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 उनके मन में डाउट आ गया। वो पता नहीं क्या आया था डाउट, बट उनको चोरी का डाउट आया कि चोर वोर तो नहीं आ गए कहीं ऊपर सेट रखे और रात में आके चोरी करेंगे, ऐसा कुछ आ गया उनके मन में डाउट। अब मेरे को हमको पता नहीं चीज़ का, अब हम मज़े ले रहे थे नज़ारों के, सुंदर सुंदर लाइटिंग दिख रही थी पूरी जयपुर की, रात भर लाइटिंग वाइटिंग बहुत प्यारा दिख रहा था जयपुर वहाँ से। अब मेरी नज़र पड़ी उस कॉलोनी की जो काम हो, क्योंकि हमको भी दिख रहा था ना वहाँ से, जाहिर सी बात है जब वो हमको देख सकते हैं तो हम भी तो देख सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉलोनी जो है ना, उसके मतलब एक अजीब सी वो जो कहते हैं विचलन टाइप, वो हमको दिखने लगा। और उसको नहीं, वो तो मस्त हो रखा, मेरा दोस्त अंदर था, वो तो मस्त हो रखा था, वो तो फोटो वोटो खींचने में बिजी हो रहा, बातें आते कर रहा अपने दोस्त से, ठीक है, और मैं ना फ़ोन पर बातें आते कर रहा। और मैं देख रहा कि वो जो मोहल्ला है ना, उसकी गली में से कुछ लोग ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ, कुछ अंटियाँ खुसफुस फुस कर रही है। वो आवाज़ तो नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे थे, बट वो एक होता है ना पता चल ही जाता अंदर से, तो वो ऐसे खुसफुस खुसफुस एक घेरा टाइप दिख रहा है, लोग बाग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे को बाप रे, मैंने देखा और इतने तेज से दिख रहे थे, तो मैंने बोला यार ये क्या नाटक हो रहा है, मेरे को तो डर लगने, मेरे तो देखो डरता हूँ भैया, मेरे को लगा डर कि यार कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इनको कुछ पता चल गया कि हम ऊपर बैठे हैं और ये ऊपर आके कुछ माहौल बिगाड़ने की वो कर रहे हो। आजकल तो ऐसे ही बहुत नाटक चलते हैं ऐसी चीज़ों पे, लोग पीट भी देते हैं, पता ही क्या चलता है। अब मेरे को डर लगा, मेरी भयंकर बुरी तरह से फट गई भैया। अब मैंने बोला, अब मैं चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा हूँ जगह को, उस गली को, उस गली की वो खसपसाहट को ऑब्जर्व कर रहा कि कहीं कुछ लफड़ा नहीं हो जाए। तो जितने में मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया, मैं और जाके घुस के मैं तो तंबू में बैठ गया ऐसे करके चेन लगा के डर के मारे, ठीक है। अब मैंने देखा ना, थोड़ी सी देर में तंबू खोल के देखा, मुझे लगा क्या पता नहीं भी आए। फिर मैंने देखा कि करीबन 10 से 15 जने लठ लेके हाथ में आ रहे हैं धीरे धीरे, छत मतलब चढ़ के आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम पहाड़ चढ़े थे ना उस रास्ते से मुझे कुछ ग्रुप आता हुआ दिख रहा है 15-10 जनों का, लोगों का, और वो डंडे वंडे लेके आ रखे हैं, और पुजारी भी था उसमें उस मंदिर का, ठीक है। अब मेरे को दिखाओ छाया दिख रही, परछाई आती हुई हमारे पास आती हुई, ओवर पास आती हुई, जो जब तक वो मेरे बिल्कुल पास नहीं ना, जब तक मैंने अपने दोस्त को बताया नहीं, फिर मैंने उसको बता दिया भाई कुछ लफड़ा हो गया लगता है, तू तो ऐसा कर ये देख कोई आ रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है अब। तो वो क्या डर ना डर, मैं समझाऊंगा इनको, डर मत तू डर मत। अब वो आए, अब वो ऊपर आके थोड़े वो अपने ही तरह थे बेचारे, तो वो पूछते कि वो मोहल्ले के थे, उनको तो लगा ना डर कि चोर वोर आगे, इसलिए आए थे वो पूरी तैयारी से। तो हमने पहले तो उनको, सबसे पहले तो उनको बताया कि देखो हम यहाँ से आए, हमारा हॉस्टल का नाम बताया, कॉलेज का नाम बताया, और इधर से फिर उनको मैंने आईडी दिखाई, हमारी आधार आईडी थी, यूनिवर्सिटी का कार्ड था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लगे गए थे। हमको पता था कि देख कभी बाहर इसी जगह पर जाओ या फिर बाहर जाओ तो इस चीज़ का अपने पास प्रमाण होना चाहिए कि हम यहाँ के हैं कि कहाँ के हैं, क्या आप कर रहे हैं हम जयपुर में, तो ये सब चीज़ें हमारे पे थी। लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि लोग इतने गलत सोच लेते हैं कि भाई चोरी, या फिर कोई यूँ सोच ले कि जम्मू कश्मीर से कोई आया है भाग के, चोर वोर ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं। देखो इस चीज़ का इतना अनुमान नहीं था, इसलिए गलती हो गई, और वो मेरे से भी नहीं हुई, मेरे दोस्त से हुई गलती, उसके चक्कर में फंसाऊँ मैं तो उनको, उसकी मेरा खास जिगरी दोस्त है, उसी की वीडियो मैंने जो डांस की वीडियो डाली थी ना इससे पहले वाली डांस की वीडियो, वही है वो, उसी के साथ डांस कर रहा है, वही है फौजी, तो उसके साथ मैंने डांस भी किया था, तो मेरे काफ़ी अच्छा दोस्त है, अभी भी बहुत जिगरी दोस्त है, ठीक है। अभी भी हम बात करके इस किस्से के बारे में बात करके हंसते हैं। तो कहानी में ये क्या हुआ, जब लठपट लेके आ गए ना वो, तो अब हम डर गए भैया, अब वो बातें पूछ रहे हैं हमसे कि कौन हो तुम, क्या है, और ऐसे ऐसे हम पुजारी भी पूछ रहा था, हमने सब बताया उनको कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं और इधर से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कॉलेज हॉस्टल से आए हैं, ट्रैकिंग करने आए हैं पहाड़ पर, कुछ समय का टाइम पास करने आए थे, ऐसे ऐसे उनको बताया।
आप उनने कन्वेंस, पहले तो थोड़े बहुत तो कन्वेंस हुए, थोड़े बहुत यूँ शक में कुछ कुछ थे, वैसे मैं क्या बोलते कुछ कुछ ना तो कन्वेंस हो गया, और कुछ कुछ के मन में फिर भी डाउट। मैंने बोला ये तो डाउट है, चलो। तो मैंने उनसे भैया से बोल दिया, वो बोलते ठीक है, तो यहाँ क्या करो, तुमको डर नहीं लग रहा रात में भूत वूत आ गया, या फिर और कहानी और सुना गया कि यहाँ के तेंदुआ वेंदुआ भी आया था पहले, पहले नारगढ़ क्या है जो नारगढ़ के आसपास के पहाड़ है, पहले यहाँ तेंदुआ भी आ चुका है, कि तेंदुआ वेंदुआ भी आया था एक बार यहाँ, तो भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको खा जाएगा। तो हमने बोला कि उसने, मेरे दोस्त फौजी ने बोला, अरे नहीं नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है तेंदुए वेंदुए से, तो ऐसे ऐसे उनको कन्वेंस कर दिया और वो समझ गए कि ठीक है ये तो ऐसे ही है स्टूडेंट्स है और यहाँ के ऐसे घूमने के हिसाब से आए थे, और ऐसे ऐसे अब रात हो गई थी ना तो उनको थोड़ा सा ऐसा था। तो मैंने उनसे फिर भी बोल दिया कि देखो भैया लोग, और वो अंकल से बोल दिया कि आप है ना अगर नहीं चाहते ना तो हम चल जाते हैं, हमको तो वैसे मेरे को तो डर लग रहा है, आपने जो माहौल बनाया उसके बाद तो वैसे भी डर लग रहा है, तो हम चल जाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कर रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाना जल्दी, ऐसा कुछ के 9 बजे की बात है, ये रात की 9 बज गई थी, हमको सोचो पहाड़ पे ना सुनसान पहाड़ है, उस पर कोई जाता भी बहुत कम जाता है, लेकिन दिखने में सुनसान नहीं है बेचारा, अच्छा पहाड़ था लेकिन लोगों ने बना रखा उसको। अब हमने उनसे बोल दिया कि हम चल जाते हैं, या तो फिर तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करके कन्विंस करके वापस चले गए कि चलो 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 ठीक है। हमने उनसे बोल दिया था कि आप पुलिस वुलिस का कुछ ऐसा दंग नाटक मत कर देना, तो हमको लग भी रहा था कर देते लोग बाग ऐसे टाइम पर, तो नीचे चले गए। हम अमन बोलता चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सो जाते हैं अपन, फिर निकल सो जाते क्या, निकलेंगे अब 9:30-10 बजे तक निकल लेंगे, ऐसे बोल के वो कर रहा। और वो क्या बोल रहा मेरा दोस्त फौजी तो इतना बावड़िया है, वो क्या बोलता कि ऐसा करते हैं नाइट भी यहीं स्टे कर लेते हैं, सुबह निकलेंगे सुबह सुबह 5-6 बजे सूरज का वो देख के सनराइज़ देख के निकलेंगे, सनसेट तो देख लिया था, सनराइज़ देख के निकलेंगे। मैंने बोला रेंदे रेंदे मेरे को तो डर लग रहा है भैया, आप सनराइज़ वनराइज़ की तू ऐसी तैसी करने दे, तू तो अपन तो चलते हैं, और ना आप ये सिर्फ तेंदुआ वेंदुआ खे गए। तो जब भी उसने बोला चल बैठते हैं, तो तंबू में बैठ के सोच ही देते, जितने में से आवाज़ आती है ना हल्की सी झाड़ी की, किसी भी झाड़ी की या हल्की सी की आवाज़ आती है, वो मैं डर जाता कि भाई तेंदुआ आ गया, तेंदुआ की मन में डाउट आते ही तो फिर निरा जा सकता। मैंने उससे बोला भाई चलना है मेरे को, चलना है चलना चलना है, वो तो अच्छा हो मैंने उससे बोला चलना है चलना है चलना है, जैसे ही मैंने उससे बोला ना कि चलना है चलना है, तो हमने वो तंबू वम्बू सब वापस पैक पैक करकुरा के बैग टांग के हम भी उतरने लगे पहाड़ से, जितने में मैंने देखा पुलिस का सायरन बज रहा है, और बाप रे मैंने बोला बुला ली भैया पुलिस ने तो अब, और पहली बार यार जब ऐसे पुलिस आए, और अपने जैसे सीधे घर के बच्चे से जाते तो भैया पहली बार पुलिस से सामना हो तो फटती तो है ना कि यार क्या हो गया, अपन की पुलिस वाली जेल में बंद नहीं करते, अपन को नाटक नहीं हो जाए फालतू, पेरेंट्स को भी नहीं पता है चीज़। अब मैंने बोला मैं जयपुर में या पेरेंट्स कोटा में, अब मैंने बोला अरे बाप रे उन्होंने लोगों को मन नहीं है तो पुलिस बुला ली ने, तो यार अब वो क्या था कुछ नहीं, नीचे जाके बात करते हैं अपन, तो अपन हम उतर रहे और वो पुलिस वाले चढ़ रहे, और वो पुलिस वाले ना वो लाए गन, वो आती ना बड़ी बड़ी गन राइफल, पुलिस वाले भी डरते कि भाई कहीं कुछ लफड़े बाज तो नहीं आ गए कहीं से, पहले उस टाइम माहौल ऐसा चल रहा था जम्मू कश्मीर वाला, तो कहीं गलत समझ लिया उनको उनने, तो उस हिसाब से ना वो उन्होंने सोचा कि भैया कोई लफड़ा तो नहीं, तो वो गन लेके आए ऊपर, तो उन्हें अमन मेरा दोस्त फौजी ना वो क्या करता यूँ कर लिया फौजी ने कि सर आराम से हम यहाँ के ही हैं, और मेरे को ऐसी हंसी आ रही है अंदर ही अंदर और डर भी लग रहा, लेकिन मन में देखे एक चीज़ होता है दोस्त, जब भी हम गलत नहीं होते ना अंदर से कि यार हम जैसे हम ना तो वहाँ कहीं, क्योंकि मैं बियर पीता नहीं हूँ, हमारी एज में पीते हैं लड़के, लेकिन हम ऐसी चीज़ें आदत नहीं है, हमारी दारू की आदत नहीं है, फालतू जर्दा वर्दा इन सब किसी चीज़ की भी आदत नहीं, फालतू चीज़ की आदत नहीं है, तो हमारे मन में ये तो था नहीं कि भैया कि हमने बियर पी रखी तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, या फिर हमने कोई ऐसा कांड कर रखा है ऊपर, तो कुछ भी हमारे पास डाउट ही, हम सिर्फ नज़ारा देखने गए थे एज अ ब्यूटीफुल जो जयपुर दिखता है वहाँ से वो देखने गए थे, और वहाँ रहने के हिसाब से क्योंकि नारगढ़ में रुक नहीं देते, हमने नारगढ़ भी गए थे उससे पहले, बट नारगढ़ में आप 8-9 बजे के बाद नहीं रुक सकते, वहाँ भगा देते हैं आपसे कि आप जाओ आप घर पे, तो मैंने सोचा था कि यार नाइट वहाँ ही रहेंगे ऐसा कुछ प्लान करके गए थे, और वो उसी जगह पे कर सकते थे, नहीं तो नारगढ़ में नहीं कर सकते थे। अब मैंने उनसे बोला कि यार आप है ना अब क्या करें, तो हमने पुलिस वालों को कन्विंस किया, तो नीचे ले गए वो पुलिस वाले हमको, नीचे चलो उतरो उतरो, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा जैसे भाई सेलिब्रिटी आए हूँ कहीं के, बहुत तगड़े वाले, पूरा मोहल्ला हमको देख रहा और मैं भी देख रहा उनको ऐसे ऐसे करके। फिर पुलिस ने गाड़ी में बिठाया हमको, फिर वो बंदा जो हमारे ऊपर आया था ना पहाड़ पर चढ़ के ग्रुप का ही एक भैया था, वो था अजीब, उसने करा था सब काटा कुटा, उसने यूँ बोला उनसे पुलिस वाले से कि भैया देख लो चोर उचक्के तो नहीं है कहीं, और शक वक कर लिया उसने हम पे, तो हमने उससे गाड़ी में बोला, गाड़ी में सामने विटनेस के रूप में गया था वो भी, तो उससे हमने बोला भैया तेरे को शर्म नहीं आई, पहले ही बोल देता यार हमसे, हम पहले निकल लेते ऐसे क्या कर दिया, वहाँ जाके कोई टाइम पास होएगा क्योंकि हम गलत तो है नहीं कि हमको ये कुछ परेशान करेंगे जेल में डाल देंगे, गलत होंगे तो डालेंगे, तो ये चीज़ का तो कोई डर नहीं था, इसलिए डर बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस चीज़ का डर था कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, घर वालों को तो इन्फॉर्म करेंगे ना, और घर वाले तो फिर बुरा मानते ही ना इन चीज़ों के, बच्चे तुम पढ़ने गए हो वहाँ पर कि ये फालतू चीज़ें करने गए हो, तो मेरा ये डर था थोड़ा। अब वो हमको ले गए वहाँ पकड़ के, ठीक है पकड़ के क्या ले गए, ऐसे आराम से ले गए नॉर्मली गए थे, ठीक है पीछे बैठ गए हम, पहली बार एक्सपीरियंस रहा कि पुलिस की गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस होता है एज अ पकड़ के ले जाने वालों को, ठीक है। अब हम मैं पीछे बैठ गया, मेरा दोस्त फौजी पीछे बैठ गया, और वो जो बंदा था ना जिसने हमको विटनेस बोला था वो भी हमारे सामने बैठ गया, पुलिस वाले गप्पे टेक रहे रास्ते में,
अब वो हमको लेके चले गए वो स्टेशन पे, और फिर वो हमारा जो सामान था उनमें देखा, उन्होंने चेक किया कि कहीं दारू वारू की बोतलें वोतलें तो नहीं, तो वो तो थी नहीं, माजा की बोतल थी, चिप्स थे, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं यार, कहाँ इन चीज़ों में पड़ेंगे। हमने वो जो चीज़ें जो थी उनको बता दी, और पैसे वैसे जो थे ना वो भी दिखा दी। तो वो इतने चालाक है, वो इतने हर चीज़ पर डांटते पुलिस वाले। उन्होंने बोला कि पैसे भी रखने की तुमको तमीज़ नहीं है क्या, पैसे हमारे देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा है, उसको ऐसे रखो। हमने क्या थोड़े बोलते ना अपन यार, अपन पात पतासे की दुकान पे जाते तो भूंगड़ी बना के देते रुपए, वैसे रखे थे बेचारे उसमें पैसे। तो बोलते इसको ऐसे रखो ऐसे रखो, बहुत डिसिप्लिन से कहा। हमने बोला जी सर कराना पड़ा, क्या करें जी सर जी, नहीं दो ज़्यादा लफड़ा कर देते यार। तो उनसे हमने कन्विंस किया, फिर हमको उनसे मिलाया, जो बड़े अधिकारी होते ना आला अधिकारी, उनसे हमको मिलाया। तो हमने बोला कि सर से उनसे मिलाया, तो सर से बोला सर ये हमने ऐसा ऐसा हुआ है, कहानी बताई उनको और पूरी एक्चुअल बताई कि कहाँ से हम आए हैं, किस बस से आए हैं, वो सब पूछते हैं। याद रखना कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जो कहानी वो आपसे पूछेंगे वो एक्यूरेट नहीं मिली ना तो वो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो हमने तो देखो जो बताया वो सही बताया, हम 5 बजे निकले, क्योंकि हमने किया ही वही है, 5 बजे निकले, 9B बस में बैठे, इधर आए, इधर से यहाँ ये चढ़े, इधर से ये करा, पूरी एक्यूरेट स्टोरी बता दी। तो उनको समझ में आ गया कि यार ये तो ऐसे स्टूडेंट है, मस्ती करने गए थे और ये थोड़ा सा पब्लिक के चक्कर में और थोड़ा फालतू जगह पर जाने के चक्कर में ऐसे हो गए, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है इनको, इनका वो लेके थोड़ा बहुत नाम पता वता ले लुआ के इनको छोड़ दो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने बोला थैंक यू सर करके खुश हो गए हम तो, चलो आधा घंटे में फ्री। लेकिन भैया वो जब अपन उन्होंने आधा घंटे, वो मेन ऑफिसर ने बोल दिया आधा घंटे में छोड़ दो, लेकिन जो ये होते हैं ना कॉन्स्टेबल लेवल के, ये बड़े कड़क होते हैं। IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर में इतना वो नहीं होगा बेचारे में गुस्सा जितना इनमें होता है। अब उनने उनको बिठाया और बोलता ठीक है, बोल तो दिया सर ने छोड़ने के लिए, लेकिन आपका एड्रेस वेड्रेस तो लेना, मैंने ठीक है। अब एड्रेस लिखता जा रहा और डांटता जा रहा, एड्रेस लिखता जा रहा और डांटता जा रहा। मैंने बोला ठीक है सर जी सर वेरी गुड सर, बिल्कुल उनको पटा के बातें करते हैं जैसे, वैसे उनके हाँ में हाँ भर के अच्छी अच्छी बातें करी उनके सामने। उनने हमको छोड़ दिया, अब उनने छोड़ दिया क्या, एड्रेस लिख रहा था, एड्रेस लिखते लिखते वो फ़ोन भी लिखते हैं एड्रेस में, फ़ोन नंबर। अपने बोला फ़ोन नंबर देता हूँ, तो पहले तो दिमाग में आइडिया आया कि यार फ़ोन नंबर जो है वो ऐसा करता हूँ दूसरा फ़ोन नंबर देता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसा कोई फ़ोन नंबर देता हूँ कि फालतू फ़ोन वोन करेंगे घर वालों को पता चल जाएगा तो अच्छा तो लगेगा। लेकिन मैंने सोचा क्या मतलब रहे, झूठ क्यों बोला, झूठ बोलेंगे और फंस फुसा गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया, घर वालों का नंबर दिया, ओरिजिनल नंबर दिया, ठीक है। अब मेरे भैया मैंने फिर अपने आप को धन्यवाद बोला, वेरी गुड सौरभ, तूने सही टाइम पे दिमाग लगा के और सही नंबर अच्छा दिया, हाथों हाथ कॉल लगा के पूछते हैं ये एक्यूरेट, ये जब भी तो बोलते ना पुलिस का काम बहुत दिमाग वाला काम होता है, ये हाथों हाथ लगा के उन्होंने मैं पूछा फ़ोन करके, कोटा में फ़ोन घुमाया, मेरी मम्मी ने उठाया ना, अरे भैया मैंने तो ऐसा डर लगा, भैया क्या हो गया रे, क्या करने आए थे, घूमने आए थे, नज़ारा लेने आए थे और ये कहाँ भसड़ में फंस गए। उनने अब हमारा नंबर लेके फ़ोन लगाया घर पे, घर में घंटी आई, मम्मी ने उठाया और ना मम्मी ने मेरे को खूब उन पहले तो सर से बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ऐसे घूमने चला गया होगा, ऐसे ऐसे कन्वेंस किया मम्मी ने, और बाकी जो है ना मेरे को कन्वेंस करते करते फिर मैंने बोला कि सर अब से आगे से ऐसे नहीं करेंगे, जबकि वो मेन ऑफिसर मान गया था, कॉन्स्टेबल है ना कड़क होते हैं, ये नहीं माने। इन्होंने क्या बोला मेरी मम्मी से कि आप ध्यान रखो इसका ऐसे ऐसे, मैंने बोला ठीक है सर मैं तो हो गया सेट है ना, मम्मी से बात होगी, मम्मी ने घना डाटा, फिर घर पर आने के तो इतना डाटा भैया, जिसकी वीडियो कॉलिंग करके मेरे भाई ने रिकॉर्ड भी कर रखी है वीडियो कॉलिंग, खूब डाटा। मेरा दोस्त था ना उसकी फैमिली फ्रेंक है काफ़ी, डरते नहीं है वो, खुद भी नहीं डरता और उसमें डर बिल्कुल कम है, तो वो है ना उसने बोला ठीक है करके उसके पापा से बोला, पापा निकाल दा, अरे पकड़ लो इसको जेल में डाल दो आप तो बोला अरे देख रहे इसके पापा तो डरते ही नहीं बिल्कुल भी, और वो खुद भी इतना डरता, ठीक है, हंसी मजाक में निकाल दिया उसने पुलिस के साथ भी। अब मैं जैसे वहाँ से हम निकले ना, उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ, तो मैंने बोला थैंक यू सर ऐसे थैंक यू बोल के आए 5-6 सर को, और फिर हम वहाँ से निकले। अब जैसे वहाँ से निकले ना भैया, तो जैसे हम पुलिस स्टेशन से बाहर हुए मैं तो ऐसा भागा वहाँ से, अरे निकलो यहाँ से भैया, तो पैदल चलते थे, पहले तो खूब हंसी आई, पहले तो मेरे दोस्त को और मेरे को इतनी हंसी आई जिसकी कोई हद नहीं है कि यार क्या कहानी हो गई, अपन क्या कहानी करने गए थे, नज़ारे देखने गए थे और कौन सी कहानी में चले गए ऐसे सोच के। फिर हमने ओला करी, अब रात की वहाँ 10 बज गई, हम कोई चीज़ करते करते रात की 10 बजे, अब रात की 10 बजे से चांद पोल से लेके हमारा है मुंडिया में, काफ़ी आउटसाइड है, मतलब जयपुर के गाँव है मुंडिया, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहाँ तक हमारा जो सफ़र था वो करीबन 1 घंटे का है, तो 500 रुपये ओला के लग गए हमको, ओला उबर से आने में जो भी गाड़ी करी थी हमने उससे 500 रुपये लग गए। अब जैसे हम पहुँचे ना हमारे हॉस्टल पे, वहाँ तक भी ठीक था, वहाँ तक भी हंसी मजाक डर नहीं आ रहा था, मम्मी पापा ने तो डांट ही दिया था बहुत सारा, तो फिर ऐसे कोई इतना ठीक है पता चल गया आप सबको ऐसा कोई इतना था। फिर जैसे ही हम हॉस्टल में आया ना मैं और मेरा दोस्त चला गया ऊपर की आराम से चिंता मुक्त होकर सो जा, आप हॉस्टल के छोरा छोरी भी खड़े बाहर, छोरा छोरी तो नहीं, छोरियाँ नहीं थी हॉस्टल में, छोरे छोरे ही हैं। हमने हॉस्टल वार्डन को भी पूछा था, हमने फ़ोन करके पुलिस वाले ने कि आपके हॉस्टल के हैं क्या, तो मैंने बोला कि यार कहीं बच्चों को तो पता चल गया नहीं, तो अब हॉस्टल का माहौल तो आप जानते हो कि कितना माहौल बना देते फिर हॉस्टल में, तो भगवान की कृपा से हॉस्टल में किसी को पता नहीं था, भैया ने किसी को बताया नहीं था।
फिर हम अपने रूम में आके, वो तो चला गया अपने रूम में, मैं चला गया अपने रूम में। अब मेरे को ना उस टाइम तो बड़ी मस्ती मस्ती में डर नहीं लगा, जब पुलिस ने हमको ले आया ना कि चलो भाई चलो स्टेशन चलो ऐसे ऐसे, तब भी डर नहीं लगा। डर कब लगा, जब मैं वहाँ से घर पर आ गया, अपने हॉस्टल आ गया, हॉस्टल पे आके जैसे मैं रजाई ओढ़ के सोया ना, तब मुझे मन में डाउट आया यार कि यार अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा हो गया कि कुछ असली में नाटक हो गया उस पहाड़ी पे, कुछ भी अनसंट काम हो गया, तो साला फंसेंगे हम, क्योंकि हम 2 दिन पहले अगर उस पहाड़ी पे पाए गए और अगर 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा हो जाए, भगवान की कृपा से अगर किस्मत ख़राब हो, किस्मत ख़राब हो तो हो सकता है, तो किस्मत ख़राब हो और ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो फंस गए हम। तो मैंने बोला भैया अंदा सौगंध खानी है कि कहीं जाना ही नहीं है इसी जगह पर, जाओ तो साला वेरीफाइड जगह पर जाओ ना, मस्ती मस्ती के चक्कर में कभी कल लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे केस भी हुए हैं जिनमें लोग बाग लट भी दे लेते हैं, हमारी तो किस्मत अच्छी कि हमने अच्छी तरह से कन्विंस किया सबको, जो सेटल हो गया मामला। बाकी भैया बहुत डरावना सीन था ये मेरी कहानी का। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये चीज़ पूरी हो गई ना, उसके बाद फिर मैंने खुद को बताया ना सबको अपने यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में, फिर मैंने बता दी धीरे धीरे, जब लगा ना कि 10 दिन निकल गए 20 दिन निकल गए कि हाँ भाई आप कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, वो जो पहाड़ी पे इतना कुछ हुआ उससे कोई इतना डर नहीं है। तो फिर जैसे जैसे डर खत्म हुआ ना वैसे सबको मैंने बताया, सब हंसे पहाड़ी की कहानी सुन के। और यही वो कहानी मैंने सोचा कि अपने जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त बने, भले आप शाय के उस चैनल से आए हों या फिर आप कहीं सर्च पर आए हों, लेकिन मैंने सोचा कि यार मेरे दोस्तों को भी कहानी तो बताऊँगा और उनको भी बताऊँगा कि भैया कभी भी ऐसी मस्ती अपने दोस्तों के साथ करने से पहले सोच लेना हम, क्योंकि हम कभी गलत सोचते नहीं है, बट साला हो ही गलत जाता है। अगर किसी ऊपर वाले ने लिख रखा है वो चीज़ तो वो आप जाता जाना खां चाहते थे हम और गए खां देख लो आप, अब तो ऐसा होता है। तो ये मेरी स्टोरी थी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना कि कैसी स्टोरी लगी, धांसू स्टोरी थी कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे विश्वास हो गया मेरे दोस्तों पे, तभी तो इतनी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैनल पे भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पार्टी की देरी बस बाकी है। और बेल आइकन जरूर दोस्तों आप ऑन करना ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसमें मैं अपनी लाइफ के किस्से या फिर कहीं घूमने जाऊंगा या मतलब मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं उनको बताऊंगा, घूमने जाऊंगा हमारे कोटा शहर को बताऊँगा, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइडिया मेरे दिमाग में, तो उन सबको इस चैनल पर डालूंगा। तो दोस्तों जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपसे तहे दिल से कि आपने गट्टूड़ी को तो इतना प्यार दिया ही है, मुझको भी बहुत प्यार मिल रहा है उसके लिए, तहे दिल से आपको धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।